So hello everyone, welcome to Maneuver Education. Jai Hind. My name is Yash Kumar Sampat and today we will discuss the weekly current affairs, the world this week, second week of Feb 2022. Okay, so before we going to start, I want to discuss that if you are preparing for MAH, B.Ed, CET and many more, and if you are targeting the top B.Ed colleges, so don't worry, batches launched by the Maneuver Education, where you can get the live classroom coaching, books and many more shortcut tricks for your exams and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos for your future. You can also get the topic wise test, mock test, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the groups. You can also get the 10,000 plus question for your practice, and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 center at Dadar, Borivali and the Vasai, so you can visit our center also. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581455. You can also visit our website, which is called maneuvereducation.com/B8entrance. So, यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेशन रहेगा, ये सेशन आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगा, विच इज कॉल्ड द वीकली करंट अफेयर्स. एंड ये जो क्वेश्चंस है, ये काफी हद तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ओवर हियर विच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. सीपीईसी इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिंगजियांग रीजन ऑफ चाइना एंड ग्वादर पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो देयर आर द फोर ऑप्शंस ओवर हियर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान. ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों सीपीईसी का फुल फॉर्म पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो जी हां, करेक्ट आंसर इज दी पाकिस्तान. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दी सीपीईसी. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइनाज नॉर्थ वेस्ट जिंगजियांग योगर ऑटोनॉमस रीजन एंड द ग्वादर पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविनेंसी ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान. सो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान और ये है चाइना. ठीक है, चाइना का जिसके पास जो है कश्मीर का रीजन है, वहां से लेके पाकिस्तान का जो पोर्ट है विच इज कॉल्ड द ग्वादर पोर्ट, तो वहां के बीच में जो रास्ता बनाया जाएगा विच इज कॉल्ड द लॉन्ग रूट, जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो यहां पर एक चाइना की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली मूव है अगेंस्ट द इंडिया, हमारे भारतीय प्यारा से भारत के खिलाफ. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है. एंड इट इज अ सेकंड फेज ऑफ द यूएसडी अबाउट 60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली उसको साइन किया है. ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022. सो देयर आर द फोर ऑप्शंस ओवर हियर, यूएई, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मेरुट्स. ठीक है, तो यहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है, ठीक है, ये एक स्नैक बोट रेस मानी जाती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी कर सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द यूएई. ठीक है, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स. अब यहां पर ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, उसको नेहरू क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बोट रेस है ये केरला के अंदर होती रहती है. ठीक है, इफ यू विजिट एट केरला, अगर इफ यू ट्रैवल एट केरला, तो ये चीज आप लोगों को देखनी चाहिए. टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी, ठीक है, तो वहां पर उस मूवी के अंदर ये सीन भी दिखाया गया है, स्नैक बोट रेस इसको कहा जाता है. जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1952 में केरला विजिट किया था, उसके बाद इस ट्रॉफी का नाम हो चुका है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ठीक है, और केरला का जो रीजन है इंडिया के अंदर, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, और केरला के अंदर होते हैं एक सिटी डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है अलपुजा, जिसको हम लोग कहते हैं LAP. ठीक है, तो LAP के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये बोट रेस जो है काफी हद तक फेमस है केरला के अंदर. ठीक है, आइए मैं उसका एक आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूं. उससे पहले चीज में डिस्कस करना चाहूंगा कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है उसको कहा जाता है वल्लम कल्ली. ठीक है, स्नैक बोट रेस जिसे मैंने आप लोगों को कहा. एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग व्हिच इज कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन. ठीक है, जो 2002 के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत. ठीक है, एंड देयर इज अ सेकंड लार्जेस्ट
रामसर साइट इन इंडिया एंड फर्स्ट जो है वो है सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग फॉर योर स्टैटिक जीके एंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. ओके, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक स्नेक बोट रेस है. यहां पर सारे लोग जो एक ही डायरेक्शन में इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में मूव होने के लिए ये सारी की सारी प्रोसेस होती है और बोट आगे जाती है. ठीक है, सो दिस इज द स्नेक बोट रेस. ठीक है, केरला के अंदर अल्पुजा के अंदर होती है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022. तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक अफ्रीकन यूनियन समिट हुई थी 2022 के अंदर. कोरोना वैक्सीनेशन की एक वहां पर मोटो था कि भाई कितनी वैक्सीनेशन हुई है कितनी नहीं हुई है अफ्रीकन यूनियन के अंदर. सो यहां पर आप लोगों को बताना है कि अफ्रीकन यूनियन समिति जो है वो कहां पर हेल्ड हुई थी या होस्ट हुई थी. ठीक है, तो जिम्बाब्वे, माली, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, देयर आर दी फोर ऑप्शंस ओवर हियर एंड करेक्ट आंसर इज दी इथोपिया. ठीक है, इथोपिया के अंदर इसको होस्ट किया गया था. यहां पर आप देख सकते हैं कि द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 रिसेंटली बिगिन इन द एयू हेडक्वार्टर्स. कहां पर है दोस्तों? इथोपिया के अंदर, जिसको बोला जाता है एडिस अबेबा. ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है. एंड द समिट वाज हेल्ड अमिड अ रेंज ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स एंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंटिनेंट. ओके, द टू डे समिट थी. ठीक है, दो दिन की ये समिट थी. हाँ, टू डेज की ये समिट थी और साथ ही साथ वहाँ पर सिक्स कॉप्स और बाकी के पास्ट 18 मंथ्स के लिए जो अटेम्प्ट किए गए थे, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. और वैक्सीनेशन के जो लो रेट्स है उसके बारे में वहाँ पर बात की गई थी. एंड 55 मेंबर्स ऑफ एयू. ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के कितने मेंबर्स आए थे दोस्तों? 55 मेंबर्स वहाँ पर आए थे. एंड इट विल प्रेस टू पुश फॉर अ सीज फायर इन होस्ट कंट्री इथोपिया वेर अ 15 मंथ वॉर वॉज हैज किल्ड thousands of people and saved many more. ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं. ठीक है, 55 जो लीडर आए थे. अब कहाँ से दोस्तों? अफ्रीकन यूनियन से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन का मैप. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो देर आर द फोर ऑप्शंस ओवर हियर. गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. सो यहां पर मैंने दो तीन दिन पहले ही आप लोगों को पूछा था कि सारिस्का टाइगर रिजर्व भी है और सारिस्का नेशनल पार्क भी है. ठीक है, तो सारिस्का नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेटेड है ये भी मैंने आप लोगों को पूछा था. एंड सारिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये भी मैंने आप लोगों को ऐसे ही पूछा था. ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका है. आप लोग करेक्ट आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द राजस्थान. तभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया था कमेंट सेक्शन में और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया था कमेंट सेक्शन के अंदर ही. ठीक है, सो सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द राजस्थान. और दोस्तों टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? कि टाइगर की जो प्रजाति है उसको हम लोग अच्छी तरीके से एनहांस करें, हैबिटेट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, एक हैबिटेट मैनेजमेंट टाइगर्स के लिए बनाएं और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बढ़ाने की कोशिश करें. तो पर्टिकुलरली वहाँ पर जो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए टाइगर रिजर्व बिल्डअप किया जाता है. ठीक है, सो लेट अस शो द पिक्चर ऑफ द सारिस्का नेशनल पार्क और सारिस्का टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो उसका ये राजस्थान के अंदर एंट्री गेट है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विथ विच ब्लॉक. ठीक है, तो सबसे पहली चीज रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, आर ई रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये सोलार के हिसाब से भी हो सकती है, बायोमास के हिसाब से भी हो सकती है. सो ये आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सोलार एनर्जी को एनहेंस करना है तो सोलार एनर्जी ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी विच इज कॉल्ड दी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. तो यहाँ पर ये सारी की सारी समिट है, सार्क समिट, एशियान समिट, ब्रिक्स समिट और G20 समिट. यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर. सो करेक्ट आंसर इज द एशियान समिट. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एशियान समिट. तो एक बार देख लेते हैं उसका थीम क्या था, मोटो क्या था. ठीक है, सो एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट. ठीक है, तो यहां पर उसकी एक थीम आप लोग याद रख सकते हैं.
और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी विच इज कॉल्ड द MNRE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एशियन सेंटर विच इज कॉल्ड द ACE इंडोनेशिया आर जॉइंटली होस्टिंग एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। और यहां पर आप लोगों को ये याद रखना है TERI, ठीक है, टेरी। तो ये जो टेरी है उसका भी आप लोगों को स्टैटिक जीके के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच इज कॉल्ड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और उसकी थीम याद रखे, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट्स। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इन्फो विच इज रिगार्डिंग द एशियन। तो व्हाट इज द एशियन, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड to promote political and social stability amid rising tensions among the Asian Pacific post colonial states। ठीक है, Asian Pacific post colonial state के बीच में जो tensions create होता है, which is called the politically aspect और social aspect, तो वहाँ पर stability लानी है, तो ये है आशियान। ठीक है, उसका motto है one vision वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और एशियन सेक्रेटरिएट कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सो एशियन समिट के अंदर 10 मेंबर्स इंक्लूड है, सो देर आर दी 10 मेंबर्स इंक्लूडिंग इन दी एशियन विच इज कॉल्ड दी ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, लेट अस शो द मैप ओवर हियर। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ठीक है, तो ये आप लोग स्ट्रेटेजिक जीके के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें याद रख सकते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाई कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 3-जज बेंच टू हियर पिटिशंस, ठीक है, क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब्स इन द कॉलेजेस। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी ट्रेंड हो रही है विच इज कॉल्ड द हिजाब केस। ठीक है, तो उसको बैन किया गया है, इसकी वजह से कॉलेजेस के अंदर, पहले स्कूल के अंदर हुआ, बाद में कॉलेजेस के अंदर हुआ। ठीक है, तो कौन से स्टेट में हुआ था, तो भारत का जो हमारा प्यारा सा स्टेट है विच इज कॉल्ड द कर्नाटक। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें हुई थी, तो करेक्ट आंसर इज द कर्नाटक। यहां पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एंड द हिजाब केस। तो ये एक हिजाब क्या है, एक ट्रेडिशन है हमारे मुस्लिम भाइयों का, भाई बहनों का, तो यहाँ पर उन लोगों को ये ट्रेडिशन है, पहनावा होता है, तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। अभी देखते हैं क्या आगे हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। ठीक है, सो कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कंस्टिट्यूटेड अ 3-जज बेंच इंक्लूडिंग हिमसेल्फ टू हियर अ बैच ऑफ पिटिशंस क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन अ फ्यू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कर्नाटक का कौन सा रीजन है, कर्नाटक का कौन सा रीजन है जहाँ पर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है अभी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री अचीव्ड माइलस्टोन इन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बाय जनरेटिंग 59 मेगा जूल ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी विच इज कॉल्ड द टोकामैक। ठीक है, टोकामैक, तो टोकामैक क्या था, टोकामैक रिएक्टर था। ठीक है, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा है कि वी अचीव्ड माइलस्टोन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ठीक है, विच इज कॉल्ड द 59 मेगाजूल ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी। तो यूएसए ने कहा, चाइना ने कहा, इंडिया ने कहा या यूके ने कहा, सो करेक्ट आंसर इज द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अभी देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या है। सबसे पहली चीज, अभी दोस्तों दो तरीके की प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी, एक तो फ्यूजन होती है, दूसरी होती है फ्यूजन। जो फ्यूजन होती है वो सन के अंदर होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है वेर वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी और वेर वी कैन जनरेट द पावर जनरेशन ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले फ्यूजन समझ लेते हैं कि देर आर दी टू आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड द ड्यूटेरियम एंड सेकंड वन इज द ट्रिटियम एंड विच इज अ लाइट न्यूक्लियस ओवर हियर। ये दोनों जो न्यूक्लियस है आगे जाकर ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं और हम उसको ज्वाइन करते हैं
ठीक है सन के अंदर ज्वाइन होते हैं और वहाँ पर दो से तीन तरीके की हमें प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, तो जब ये ज्वाइन होते हैं तो हमें एक हैवी न्यूक्लियस मिलता है विच इज़ कॉल्ड द हीलियम। आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो गेट द न्यूट्रॉन एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो गेट द सम काइंड ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है, उसी की वजह से सन जो है इतना हीट प्रोड्यूस कर पाता है और इतना लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूजन प्रोसेस एंड इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, सो वेर वी कैन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस वेर वी कैन गेट द न्यूक्लियर वेस्ट ऑल्सो। ठीक है, इन द फ्यूजन प्रोसेस, तो फ्यूजन प्रोसेस क्या है, वहां पर हमें जो पार्टिकल्स है उसको बाद में सेपरेट करना है। यहां पर हम लोग ज्वाइन करते हैं, वहां पर हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन इन द प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ऑफ इमिटेटिंग द वे एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 किलोग्राम ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, 1 kg ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल, ठीक है, उसको अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वी कैन गेट द एनर्जी अबाउट द 10 मिलियन टाइम्स ओके फ्रॉम द कोल। ठीक है, फ्रॉम द कोल एंड ऑल्सो दी ऑयल। ठीक है, अगर मैं कोल 10 मिलियन कोल ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अगर मैं 1 किलोग्राम कोल अगर 1 किलोग्राम मैं ऑयल को अगर बर्न करता हूँ तो वहाँ से मुझे कितनी 10 मिलियन टाइम्स जो एनर्जी मिलती है, 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर 1 किलोग्राम अगर मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल को अगर प्रोसेस किया तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और 59 मेगाजूल्स हमें यूके के साइंटिस्ट ने कहा है कि वी कैन गेट द सस्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट विच इज कॉल्ड द ASER इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग, प्रथम फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ये एजुकेशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले चीज़ ये समझनी चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज द प्रथम फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड बाय द प्रथम एंड प्रथम फाउंडेशन एनुअली कंडक्ट्स एन एक्सटेंसिव सर्वे इन स्कूल्स टू एनालाइज द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। रिसेंटली इट रिलीज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट विच इज कॉल्ड द ASER एंड जो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो अगर आप गूगल के अंदर ASER सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे से टीचर्स मिलेंगे जो बच्चों को रूरल एरिया में पढ़ाते हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे पूरे के पूरे बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है इसी प्रथम फाउंडेशन के तहत। ठीक है, सो एज पर द रिपोर्ट द बेसिक रीडिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इन वेस्ट बंगाल हैव रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द COVID-19 विदाउट क्लासरूम्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं एज अ टीचर आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि COVID-19 का जो सीनरियो था वहाँ पर जो स्कूलिंग का जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा डिक्रीज हो चुका था, क्लासरूम बंद हो चुके थे COVID-19 के दौरान। तो उसके दौरान वहाँ पर बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वो काफी हद तक रुकी हुई थी। ठीक है, तो स्कूल का माहौल मिलने की वजह से ही वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ द स्किल्स एंड दिस काइंड ऑफ द एबिलिटीज ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि ये COVID-19 जो पेंडेमिक चल रहा था और जो सिनेरियो चल रहा था वहाँ पर स्कूल बंद होने की वजह से, कॉलेजेस बंद होने की वजह से जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए और एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ, जो हम लोग स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ये काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में भी और साथ ही साथ और एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट में भी, वेर यू कैन गेट द मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी एंड यू कैन ऑल्सो गेट द स्पोर्ट्स एबिलिटी। ठीक है, पर ये जो चीज थी पेंडेमिक के दौरान उसमें कहा गया है कि भाई इस रिपोर्ट के तहत ऐसा ही कहा है कि वहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीडिंग एबिलिटी जो विच इज कॉल्ड द बेसिक रीडिंग एबिलिटी वहां पर गिरावट आई है COVID-19 पेंडेमिक के दौरान वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल कम अप एट विच प्लेस। ठीक है, कहां पर आने वाली है। ठीक है,
पुणे, अहमदाबाद, मुंबई और सूरत, कहाँ पर आएगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी सूरत। द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल बी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट, व्हाइल सूरत सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक की है, मुंबई से अहमदाबाद की है दोस्तों, पर बीच में जो स्टेशन आते हैं वहाँ पर जो सूरत है वो पहला सिटी है जहाँ पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन लगाया जाया है, लगाया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो करीब आएगी ₹1,00,000 करोड़, ऑफ विच ₹88,000 करोड़ विल बी फंडेड बाई दी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। जिका आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ठीक है, जिका जिसको बोला जाता है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन 11th फरवरी एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, ठीक है, हकीम अजमल खान, हकीम सैयद जिलूर रहमान, हकीम सहमशुल अफराक एंड हकीम अनीस अहमद अंसारी, ठीक है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन और आप गेस कर सकते हैं। सो कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज द हकीम अजमल खान, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फरवरी को हकीम अजमल खान जी के नाम से ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है और ये एक एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन थे, ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट रिसेंटली, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं ये आप लोगों को बताना है। मुनीश्वर नाथ भंडारी, विक्रम सोबती, रोशन सिंह एंड विनीत कुमार वर्मा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो सकता है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है, ये है उसकी फोटो। सो जस्टिस ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट मुनीश्वर नाथ भंडारी हैड टेकन ओवर द एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस संजीव बनर्जी द मेघालय हाईकोर्ट इन नवंबर लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है फॉर योर स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू, हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं या अपॉइंट हुए हैं, मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज। विच कंट्री इज the host of one summit which was seen in news recently, कौन सी और कंट्री ने वन समिट को लॉन्च किया है या होस्ट किया है, ठीक है, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। सो करेक्ट आंसर इज दी फ्रांस। अभी ये वन समिट है उसका पोस्टर समझ लीजिए, 9, 10 and 11 February को हो चुका है और ये जो है फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एंड कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एंड इंडिया आल्सो सपोर्टेड टू द फ्रेंच इनिशिएटिव विच इज कॉल्ड द हाई एम्बिशंस कोलोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एंड हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इसको अटेंड किया था इस कॉन्फ्रेंस को और कहा था इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें। Let us discuss the next news. MUSC and Hilo Swarm, which were seen in the news recently, are associated with which space agency? ठीक है, तो ये जो दो प्रोग्राम है which is also called the space mission, ठीक है, ये कौन सी एजेंसी के द्वारा फॉर्म किए गए हैं या तो कौन सी एजेंसी के द्वारा एसोसिएट होंगे, ठीक है, इसरो, जैक्सा, नासा और ESA, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द नासा, ठीक है। सो नासा हैज अनाउंस टू न्यू साइंस missions which is called the multi-solute solar explorer and the हेलियो स्वम, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखें। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने ये जो मिशन है उसका एम क्या है स्टडी करने का, द सन्स कोरोना एंड दी ऑल्सो मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलार विंड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलार विंड की उसको मेजर करने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। एंड द नासा अर्लियर अनाउंस द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डन बाय द पार्कर सोलार प्रोब ऑन इट्स वे टू द सन, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को मुझे ये बताना है कि रशिया की कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि रशिया की ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और उसका नाम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है, रशिया की कौन सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जैसे कि इंडिया की है इसरो, अमेरिका की है नासा, तो रशिया की कौन सी है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इज इट क्लियर? डन। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम 28 फरवरी 2022 द फोकल थीम कंट्री दिस ईयर, ठीक है। तो फोकल थीम जो है कंट्री की वो कौन से कंट्री की रहेगी, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर इज दी बांग्लादेश। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं बांग्लादेश, ठीक है। तो 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 28 एंड विल गो ऑन टिल मार्च 13, ठीक है। 28 से लेके फरवरी से लेके 28 फरवरी से लेके 13th मार्च तक ये चीज रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रखें। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज दी मध्य प्रदेश। बायोमास बेस्ड क्या होता है कि देर आर दी सम काइंड ऑफ द वेस्ट, लिविंग बींग्स जो होते हैं उसके वेस्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है उसके भी वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो एनिमल के जो वेस्ट होते हैं ये सारी चीज़ें, बाद में एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक खड्डे में डाला जाता है, वहाँ से एक पानी भी डाला जाता है, वहाँ पर प्रोसेस होती है, वहाँ से एमोनिया जनरेशन होता है एंड विच इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। एमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती है जो बाद में आप लोगों को हेल्प करती है एक फ्यूल के तौर पर, ठीक है। सो देर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल फ्यूल, नेचुरल गैस, ठीक है। सो ये मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्टेट बना है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल विच इज़ कॉल्ड द बायो मास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पर है, आप देखिए उसका लोकेशन भी देखिए भारत देश के अंदर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोकेशन ही नहीं पता होता कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए और समझे कि देर इज अ मध्य प्रदेश, ओके। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट द खंडावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बायोमास देख लीजिए कि सीवेज जो है, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्टेजेस होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के वेस्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा की जाती है विच इज़ कॉल्ड द बायोमास गैसिफिकेशन, वहाँ से प्रोसेस होती है और वहाँ से हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें। लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है। सीनियर ब्यूरोक्रेट डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, SSC। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले चीज ये बताना चाहूंगा कि SSC विच इज कॉल्ड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, उसके द्वारा गवर्नमेंट जॉब में आप इंक्लूड हो सकते हैं, एक एग्जामिनेशन होती है और उसके अंदर इनकम टैक्स की एग्जामिनेशन होती है, कस्टम ड्यूटी की एग्जामिनेशन हो सकती है, यानी कि वहाँ पर आप लोगों को ये पोस्ट मिल सकती है और पुलिसमैन की भी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। सो शिव, उसके पहले बात कर लेते हैं कौन नियुक्त किए गए हैं चेयरमैन, ठीक है, बाद में मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। शिवकांत गौतम, विक्रमादित्य सिंह, एस किशोर और रोहन वर्मा। सो करेक्ट आंसर इज दी एस किशोर, ठीक है। यहां पर आप समझ सकते हैं, उसका फोटो भी देख सकते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट एस किशोर, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती है और दूसरी चीज वहां पर आप को एक एग्जाम देना होता है, बाद में आपका मेरिट लिस्ट आता है, बाद में आपको एक पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आफ्टर दैट यू कैन जॉइन योर जॉब, ठीक है। सो मैनेवर एजुकेशन आल्सो कंडक्ट दिस काइंड ऑफ द सेशन रिगार्डिंग द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो वी हैव ऑल्सो वन यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड द मैनेवर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर तो वहाँ पर मिल जाएगी। सो वेर यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स विच इज हेल्पफुल इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, लाइक द IBPS एग्जामिनेशन एंड SBI एग्जामिनेशन, RBI examination, ओके, SSC CGL examination, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है, SSC CGL, ठीक है, और CHSLB आती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो एग्जामिनेशन है जो गवर्नमेंट एस्पेक्ट से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है एंड आफ्टर द क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन यू कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर लेवल एंड एज वेल एज द क्लर्क लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग फॉलो करें मैनेवर गवर्नमेंट एग्जाम को और वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आती है करंट अफेयर्स की और उसको आप देखें, सो इट विल हेल्पफुल यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दैट्स इट एंड बिफोर
बिफोर वी कंप्लीशन आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर MAH, BEd, CET एंड मेनी मोर एंड इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप BEd कॉलेजेस सो डोंट वरी बैचेस लॉन्च बाय द मैनेवर एजुकेशन वेर यू कैन गेट द लाइव क्लासरूम कोचिंग बुक्स एंड मेनी मोर शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर योर एग्जाम्स एंड मेनी मोर डाउट सॉल्विंग सेशन वेर यू कैन सॉल्व योर डाउट्स विद द हेल्प ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एंड यू कैन ऑल्सो गेट द रिकॉर्डेड वीडियोज फॉर योर फ्यूचर यू कैन ऑल्सो गेट द टॉपिक वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट एंड यू कैन ऑल्सो गेट द व्हाट्सएप ग्रुप वेर यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स विद द हेल्प ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स इन दिस of the groups you can also get the 10,000 plus question for your practice and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor and if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai so we have a 3 center at Dadar, Borivali and the Vasai so you can visit our center also so what are you waiting for guys book your seat now and call on 8828581455 you can also visit our website which is called maneuvereducation.com/BEd entrance If you are preparing for the law entrance, BEd entrance, so you are aware you can fill the form very easily and link is also available in the description and if you are the new family member of the Maneuver Education so please subscribe our channel in the YouTube and we have also social media platform where you can get the regular updates and we have also three centers over here in the Mumbai Borivali Vasai and the Dadar so you can visit our center also and you can visit our website also so please prepare your current affairs with respect to static GK as per your examination level ठीक है सो इफ यू लाइक दिस सेशन सो प्लीज लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक दिस सेशन अप्रिशिएट दिस सेशन ठीक है सो प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स वेर ऑल द मेंबर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करता है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ठीक है सो आज के लिए दोस्तों इतना ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा Thank you. Jai Hind. Bye-bye.